नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव की सरकार में हम आपको लगातार इस चुनाव का हर रंग दिखा रहे हैं और आज सरपंच पद के तमाम उम्मीदवारों की तरफ से अपनी ताकत झोंकी जा रही है, क्योंकि आज शाम के बाद जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे तमाम कैंडिडेट और 12 तारीख को मतदान होना है। इस वक्त मैं अबूब शहर में हूँ, जहां पर सबसे चर्चित चेहरा भीम सारंग, जो कि लगातार धुआंधार अपना प्रचार कर रहे थे और आज उनकी तरफ से एक विशाल मेगा रोड शो निकाला गया। किस तरीके का रिस्पॉन्स उनको मिला, किस तरीके का माहौल वो देखे, उनसे बातचीत करते। भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज हरियाणा का गांव शहर में। ठीक है भाई साहब, आज आपका रोड शो कैसा रहा, पूरा आपका रोड शो और परफॉर्मेंसेस? बहुत अच्छा रहा। आप भी वहीं थे, देखा होगा लोगों के चेहरे पे खुशी है। ये चुनाव एक तरफा जीत है और लोगों में इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा गांव बहुत जल्द नशा मुक्त हो जाएगा और करेंगे जो हमारा मेन मकसद मुद्दा और जो बाकी के गांव के काम है वो तो हम अपनी नैतिकता के आधार पे करना ही है। जो है कि ये हटके काम है गांव के बच्चों को बचाना, पन्नू जी बहुत बड़ी समस्या है जी। पूरे गांव वासियों के साथ मिलकर हम समस्या से निवारण होकर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। भाई साहब, अभी बहुत कम वक्त आपके पास बचा है कैंपेन को लेकर, क्योंकि आज शाम आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव प्रचार थम जाएगा। कैसे देखते हैं गांव का पूरा माहौल, क्योंकि आपने घर घर जाकर प्रचार किया, हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक, मतदाता तक आप पहुंचे, कैसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये तो तारीख आगे चलेगी, गांव तो वेट कर रहा है 12 तारीख आने दो। एक तरफा माहौल है, कोई ना कोई मुकाबला ना कोई टक्कर। भाई साहब, जैसे हम भी कंपेनिंग में देख रहे थे कि आपके चलते भाषण में महिलाओं की चीखें निकल रही है, चिट्टे का इतना जबरदस्त कहर है कि लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने जिस मुद्दे को टच किया, टच करते ही लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपका यही है और इस मुद्दे पर आप काम करेंगे फिर आपको सेवा का मौका मिलता है? मेरा गांव वालों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काफी समय से ये प्रयास चल रहा है और काफी हद तक हम इसको कम तो कर चुके हैं पर अभी खत्म नहीं। तो चीखे पुकारे तो जिन माओ के बच्चे जाते हैं बालकों से बड़े किए हैं बगैर मतलब किसी गलत संगत में आके जान गंवा दी, दुख तो माओ को कही ना। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम ना गए तो कौन आए। तो यही है कि आपको बता ही चुके हैं जी। भाई साहब, इस कंपेन में हमने भी देखा और आपने लोगों ने भी इस बात को आपके सामने रखा है कि गांव में निकासी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, गांव के डेवलपमेंट को लेकर, नालियों का विकास में, खास करके गलियां नहीं बन पाई, तो क्या आपके जहन में ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ पा रहे हैं? हरियाणा सरकार में आज हमारी साझेदारी है और मैं ये गांव वालों को आश्वासन दिलाता हूँ, नाली गली पानी की समस्या, निकासी की सब समस्या का हल होगा और गांव वाले इस बात को समझते हैं। ये समस्या झेल लेंगे, चार दिन ठहर के हल हो जाएगी। मेन समस्या जो है वो आपको बता दी, बिल्कुल सारे काम होंगे, बिल्कुल होंगे, साफ सुथरा बनाएंगे गांव को। भाई साहब, आखिरी सवाल है, अभी 12 तारीख को मतदान होना, बीच में सिर्फ 11 तारीख बची है, ये इंतजार करना मैं हर कैंडिडेट से पूछ रहा हूँ, आपकी एक बच्चे की तरह परीक्षा है कि आपको 12 तारीख को सुबह परीक्षा में बैठना है, और ये इंतजार कैसा लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे से ज्यादा तो गांव वाले उत्साहित हैं कि ये आ गया, तो त्योहार की तरह मान रहे हैं, निभाएंगे अच्छी तरह निभाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपने अपने बहुत टाइट वक्त में सभी वक्त निकाल लिया है, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीम सारंग जी, जो कि सरपंच पद के कैंडिडेट और बहुत चिंतित अपने गांव को लेकर, वो खास करके सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहा वो नशे का है, जिसको लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उनको अगर सेवा का मौका मिलता है तो सबसे पहले गांव को चट्टे से मुक्त करना और दूसरे मुद्दों पर भी नैतिकता के आधार पर उनको सरकार में जिस हिस्सेदारी में है उसमें प्राथमिकता के आधार पर उनको हल करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा।